आप बताइए कैसे आना हुआ? हम आपको यही बताने आए थे कि आप बस थोड़ा होशियार रहिएगा। किससे? थैंक यू। इनसे और किससे? किडनैपर्स से। किडनैपर्स? हाँ भाभी जी, हमने अभी अभी न्यूज में देखा कि कुछ किडनैपर्स जो है वो शहर में घूम रहे हैं। तिवारी जी, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस तो घर के बिल्कुल पास हैं, तो मेरे किडनैप होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात विभू की, तो वो मेरा हस्बैंड है, किसी की हिम्मत नहीं है विभू को किडनैप करने की। ये बात तो सही है भाभी जी, किडनैपर्स भी अपना सर फोड़ लेंगे। मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी चली जाएगी। मलखान, मेरे हाथ में खुजली मच रही है यार, जरूर कुछ आने वाला है यार। हाँ, कहाँ से आ रहे वारो है, पेड़ से? यार तुझे पता है कि कभी भी मेरी बॉडी में अगर मेरे किसी अंग में खुजली मचती है ना, तो जरूर कुछ होता है। वह मालूम है कहाँ हो तो है, पिछली बार ना तेरे पिछवाड़े में खुजली हुई, पुलिस के बेहिसाब डंडा पड़े थे पिछवाड़े पे, बोले मत ना, दिमाग खराब कर रहा है। कैप्टन, पहले जूतो आयो फिर तुम आए। और भाई कमीनो, क्या हाल चाल है? जो आपके वही हमारे हैं। भैया जी, एक एक चाय पिलवा दो। चाय क्यों, बोतल पिलवा दूं? है भैया जी, है क्यों मजाक कर रहे हो? है चाय पीने के लिए हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और आप तो जाम पीने की बात कर रहे हो। ले ये ले, रख ले। ये ले, तू भी रख ले। भैया जी बस करो, रुलाओगे के? मलखान, एक मिनट एक मिनट। भैया, आज अचानक आप हम दोनों पे इतने मेहरबान कैसे हो रहे हो? टीका, ये बात तो हमने सोची ना थी। क्योंकि आप जैसा आदमी बिना मतलब के किसी भी गधे को बाप नहीं बना सकता, पक्की बात। तुम लोगों ने सही समझा मुझे, बिल्कुल सही समझा। तुम लोगों से मुझे एक काम है। कौन सा काम है? एक मिनट बच्चे, तेरे पास बिस्किट है क्रीम वाले? जा देखिए। शाबाश। तुम दोनों को किसी का किडनैप करना है। कौन को किडनैप करना है? मेरा। भैया, सुबह से हम ही दोनों मिले थे क्या आपको? अभी मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस, तुम्हें मेरा किडनैप करना है। समझ गए भैया, तुम्हारा मतलब जे हैरो है कि तुम अपनों किडनैप करवा के अनीता भाभी से पैसों की डिमांड करोगे। कितनी गलत बात है भैया, अनीता भाभी आपको पैसे नहीं दे रही है, इसलिए आप इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, इतनी घटिया हरकत। बकवास मत करो, चुप। आम खाओ, पेड़ मत किनो। 1000 रुपया में घुइया आम खाएंगे के? अपनों किडनैप करवा के तुम अनीता भाभी से लाखों वसूलोगे, और हमें 1000 रुपये को लॉलीपॉप दे रहे हो? अबे कितने घटिया लोग हो तुम तो, कितने कितने घटिया लोग हो। मैं किडनैप पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसकी कोई और वजह है। भैया जी, कोई भी वजह हो उससे हमें कोई भी मतलब ना है, समझ गए? हम तो नू कह रहे हैं कि 10,000 रुपये लेंगे इस काम के, क्यों ठीक है? हाँ मलखान, अरे इसमें पुलिस की रिसर्च बहुत है, पकड़े गए तो 6 महीने के लिए। सुनो, 1000 रुपये दे चुका हूँ और 1000 रुपये और दूंगा काम होने के बाद, अगर मंजूर है तो हाँ, वरना दूसरी पार्टी वेटिंग में है। इनका पाल्टी ना हाथ से जा रही है, कुछ ना होने से कुछ होनो भलो है। विभूति भैया, बताओ अब कब कांड करना है? क्या मतलब किडनैप कब करना है? मैं ठीक रात 9 बजे तुम्हें अपने घर के बाहर मिलूंगा। भैया जी, आपको काम हो जाएगा।
विपू क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई, चलो ना सोने चलते हैं अब। अरे यार तुम भी अजीब सी होती जा रही हो, पहले खाना खाने के बाद एक घंटा वॉक करती थी रात को, अब बस खाना खाते बिस्तर ढूंढती हो। अरे विपू सुबह 5:30 बजे उठना है कि नहीं? वो मैं उठता हूँ जी। हाँ तो तुम्हें उठाता कौन है, मैं ही तो उठाती हूँ। और उठा के सो जाती हूँ उसका क्या? देखो अगर तुम्हें ये सब फालतू की बात करनी है ना तो मैं जा रही हूँ सोने। यार तुम चिढ़ बड़ी जल्दी जाती हो यार। अरे तुम्हें चिढ़ू ना तो क्या करूँ, तुम बेतु की बातें करते हो। अच्छा ओके ऑलराइट, मैं बेतु की बातें करता हूँ, भाभी जी को बुला लेते हैं, कब से मारेंगे बैठ के। अरे नहीं 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 उनको मत बुलाओ, सारा दिन बेचारी इतना काम करती है, थक गई होंगी सो रही होंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि रात को अगर आप नाइट वॉक के लिए जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा। भाभी जी, भाभी जी। क्या हुआ परमती जी? अरे भाभी जी आइए आइए, अनु बुला रही है आपको। अरे विभू ठीक बा आ रहे हैं। हतिया हतिया इतनी रात को क्या हुआ अनीता जी? अरे कुछ नहीं, बस आपको नाइट वॉक के लिए बुलाया था। अच्छा ये बताइए तिवारी जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? आओ उस सर पे मेहंदी लगा के सो रहे हैं। डॉन मार्केट कच्चा बनिया, मेहंदी लगा के सो रहा है। सर पे मेहंदी लगा के? हाँ वो कहा है ना उनका दिमाग बहुत गर्म है ना, तो हम सोचे मेहंदी लगाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। उसे कहिए कि अपना सर डालें डीप फ्रीजर में और रात भर सो जाएं, वो सर हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। क्या बोले? कुछ नहीं। बिब्बू कम ऑन, आप जस्ट जोकिंग यार। अच्छा ये बताइए कि आज आपने रात पे खाने में बनाया क्या? ये कमबख्त काम अर गए टीका मलखान, 9 बजे बुलाया था, 9:10 हो गए। अरे बचाओ, अरे कोई डाले बचाओ, कौन लेके चला गया? दादा कितने होने वाले को नाम? ऋतिक रोशन। क्या बात कर रही हो गोरी मैम? अबे फोन में तो आप कह रही थी कि भैया विभूति किडनैप हो गए हैं। हप्पू सिंह जी जब आपको पता है कि विभू किडनैप हो गया है तो फिर आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? अरे ना ना ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये तो सरकारी जो कागज होते हैं ना वे पूछ रहे हैं बार बार। लिखिए लिखिए आप विभूति नारायण मिश्रा। और किडनैप कर भी वाले को नाम? हप्पू सिंह। तुम यार कहाँ को पुलिस वालों के साथ मजाक कर रहे हो, इतने काम कर रहे हैं। अरे मजाक कहाँ कर रहे हैं, किडनैपर क्या आइडेंटिटी कार्ड या कोई विजिटिंग कार्ड लेकर आएगा कि नाइस टू मीट यू, वो तो अपना काम धंधा करके निकल लेगा, नाम पूछने का समय देगा क्या वो? अरे यार तो जामे हम का कर लें, हम तो वही फॉलो करेंगे ना जो सरकारी कागज में लिखो होता है। दरोगा जी आप कानूनी कागज में फंसे रहेंगे या भरभूति जी को भी ढूंढेंगे। क्या बताएं भाभी अंगूरी, ये कानूनी कार्रवाई बड़े पचड़े की चीज है, क्या बताएं खोपड़िया चढ़ जाती है सतुरी। अब देखो क्या है, पहले कानूनी कार्रवाई करो, कागजी कार्रवाई करो, बाद में फिर फिजिकल एक्टिविटी करो। अरे हप्पू सिंह जी तब तक किडनैपर्स विभू का हाल बेहाल कर देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे उनको क्या हाल बेहाल करेंगे गोरी मैम, भैया विभूति तो पहले से ही बेहाल है। क्या पक रहे हैं, क्या पक रहे हैं आप? नहीं नहीं गोरी मैम हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। क्यों यहाँ क्या आप अपने साले की सगाई में आया जो मजाक कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक बना के रखा आपने? तुम यार इतनो काई चची आ रहे हो तो। अरे पुतो हमने गोरी मैम को टेंशन में देखो, तनक माहौल ठंडू कर रही थी, हल्को बना रहे थे माहौल को,
अरे ऐसे 36 केस हम रोज हैंडल करते हैं, जो पहलो केस नहीं आमा हो। ये जो 36 केस जो आप हैंडल करते हैं ना, उसमें से सॉल्व कितने करते हैं जरा बताएंगे? एक भी नहीं। अरे अंगूरी भाभी, जो जो क्या कह रही हो आप? अंगूरी बिल्कुल सही कह रही है, आप यहाँ कागजों में घुसे रहेंगे, वहां किडनैपर जब भभूति जी की उंगली काट के भाभी जी को पार्सल कर देंगे। अरे अरे तिवारी जी, आप क्या क्या कह रहे हैं आप? ये माफ कीजिएगा भाभी जी, जो सत्य है ना बड़ा कड़वा होता है। ये किडनैपर बड़े क्रूर दिल के होते हैं कंभगत, ये हाथ पैर जो गाजर मूली की तरह काट देते हैं। अरे तो काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया, विभूति तो पहले से ही नल्ले हैं। लाइए अपने बड़े अफसर का नंबर, लाइए नंबर लाइए। अरे वो गोरी गोरी मैम, बात का हो गई? मैं उनसे आपकी शिकायत करूंगी, आप मुजरिमों को पकड़ने के बजाय यहाँ से टाइम पास करें। हाँ अनीता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इधर को जी कुछ काम ना ही करते है। अब पता है एक दिन का हुआ, हमारी गाय जो है जिसका नाम भूरी है वो खो गई थी। दरोगा जी एक बूढ़ी भैंस को सफेद रंग मार के हमारी खूटी से बांध दिए। हम बोले कि हमारी भूरी तो बहुत मोटी थी, तो बोले कि बहुत टाइम से खाया नहीं है ना, इसलिए कमजोर हो गई है। फिर का हम भूरी को नहलाने लग गए तो पूरा रंग उतर गया। अरे काय को भाभी अंगूरी, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। अरे वो तो चोरों ने हमें बेवकूफ बना दो सारे आप हमको। अच्छा गोरी मैम, हम चलते हैं और भैया विभूति को हम सुबह तक पता लगा देंगे कि कहाँ हैं, बस आप चिंता ना करो आप। और हो सकता है फिरौती वालों को फोन आए तो ध्यान से तनक सुन लियो और जो जो कछु कहे हमें बता दियो, बस हम देख लेंगे सब। चले महाराज। अरे दादा, ये कुछ नहीं करेंगे, घर जाके टांगे फैला के सो जाएंगे। तो मैं सब पतो है। कुछ नहीं, बस किडनैपर्स के फोन का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मलखान जी मरवाए गो, चिल्ला क्यों रहा है? किडनैप करना है मलखान, जहां तो कछु भी ना है यार। तेरी जालिम, टाइम देख रो कहा रो है। विभूति भैया ने 9 बजे को टाइम दियो, तो 12 बज रहे हैं। तो जिसमें हमारी गलती कौन सी है यार, है साइकिल को पंक्चर हो गया, इसमें मेरी गलती है का? अब क्या करे है? अब बताना क्या करे। विभूति भैया को उठा ले घर में से। अब डील तो ये हुई थी कि अनीता भाभी और अंगूरी भाभी के सामने हम विभूति भैया को उठाएंगे। आराम से बोल, विभूति भैया को तो पता ना तू पुलिस उठवा देगा। मैं जालिम जे बात तू सही कह रहा है, एक काम करते हैं, विभूति भैया को ना कल उठा लेंगे। तो फिर अभी क्या करें? करनो के है, ठेके बजाएंगे और पौवा पियेंगे। आजा जालिम, मन की बात कह दी तूने तो। आजा क्या हुआ अंगूरी? हाँ लड्डू के भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ हमें क्या हुआ है पगली? हाँ लड्डू के भैया, हम बहुत बुरा सपना देखे हैं। का देख लिया पगली? हम देखे के डाकू आपको नैप ही कर लिए। वो नैप ही नहीं, किडनैप होता है। हाँ सही पकड़े हैं, उठा के ले गए आपको। अच्छा फिर? फिर का फिर वो डाकू ने आपके दोनों हाथ बांध दिए थे और हमको बोले नाच बसंती नाच, वरना तुम्हारे यार के हाथ काट देंगे। तो हम ब्रेक डांस करने लग गए और डांस करते करते हमारे पैर में कांटा फंस गया, जैसे ही कांटा फंस गया आपके हाथ काट दिए। अंगूरी हम देख रहे हैं कि आजकल तुम रेगुलरली हमारे हाथ कटवा रही हो। कितनी बार कहा रात को शोले फिल्म देख के मत सोया करो। ना ही लड्डू के भैया, हम शोले फिल्म ना ही देख रहे थे। ओ, तो हो सकता है कि
भभूति जी के साथ हुई घटना के विषय में सोच रही हो? हाँ लड्डू के भैया, हमको बहुत चिंता हो रही है कि भभूति जी का क्या हाल हो रहा होगा। क्या हाल होगा? उनका भी वही हाल होगा जो शोले में ठाकुर साहब का हुआ था। हाँ भैया, का वो डाकू उनके हाथ काट देंगे का? हो सकता है। हाँ भैया, फिर भभूति जी काम कैसे करेंगे? तो वैसे भी कौन सा काम करते हैं नित्य क्रियाओं के अलावा? तो नित्य क्रिया भी ना ही कर पाएंगे ना? नहीं नहीं, उसके लिए हमने रामलाल का इंतजाम कर लिया है। रामलाल कौन है? टिल्लू। आपकी दुकान का टिल्लू भैया? याद है जब एक बार हमारे हाथ बैलगाड़ी के नीचे आ गए थे तो टिल्लू ने ही तो हमारे लिए रामलाल का काम किया था। एक आध बार कम वक्त ज्यादती भी कर गया था। अबे छिछोरो, ये क्या बदतमीजी है? तूने बांध क्यों दिया? तुझसे मैंने कहा था कि अनु के सामने, भाभी जी के सामने सिर्फ एक्टिंग करना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चलो खोलो इसको, खोल। अबे चुप चुप, बंद रख अपना मुंह, नहीं तो पीतल से भर देंगे। Excuse me, this is not the way to speak. आप बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे, ये क्या तरीका है आप लोगों को बात करने का? देखो टीका मलकान, you better behave yourself, okay? अबे कौन टीका मलकान? हम मीका सलमान हैं। अबे कौन टीका मलकान? हम मीका सलमान हैं। मीका सलमान? मीका सलमान मतलब? मतलब तेरा सच में किडनैप हो गया। देखिए भाई साहब, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं तो नल्ला हूँ, मेरे पास तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, मेरी बीवी कमाती है, मैं खाता हूँ। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया सर, आई एम सॉरी, यू डायल द रॉन्ग नंबर, बट नेवर माइंड, अब अभी छोड़ सकते हैं मुझे, आई मीन इट्स ओके। देखिए मैं देखने में रिच लगता हूँ लेकिन हूँ बहुत कंगली चीज, आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। सुबह तेरी बीवी को फोन करेंगे, अगर फिरौती की रकम नहीं भेजी उसने तो तेरी किडनी निकाल के भेज देंगे। यार ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई यार, किडनी निकाल के भेज दोगे? दिस इज नॉट राइट भाई। देखो ऐसा, ये कौन है? इसका भी किडनैप कर रखा है भैया। भैया सो रहा है वो, कुछ पिलाया क्या आपने इसको? हाँ पिएगा? नहीं मम्मी, मम्मी।